बड़ी खबर सामने आ रही है, क्या कौन सी बड़ी खबर अभी सामने आ रही है आपको दिखाएं इस बड़े से वॉल पर, जिसमें से लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर बता दें, 9 बजे तक बिहार का वोटिंग परसेंटेज करीब करीब 10% रहा है। 9 बजे तक पटना साहिब में 10.76% मतदान हुए हैं। 9 बजे तक पाटलिपुत्र की बात कर ले तो पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर भी लगभग 10% मतदान जो है अभी तक हुए हैं। और देखिये नालंदा में 9.17% वोटिंग हुए हैं, पटना साहिब में 10.76%, लगभग 11% वोट अभी तक डाले जा चुके हैं। और इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं ओवरऑल बिहार में अभी तक वोटिंग परसेंटेज लगभग 11% है, 10.58%, यानी 11% अभी तक मतदान जो है हुए हैं। 9 बजे तक देख लीजिए आप, आरा में 9.32%, काराकाट में 11.75%, जहानाबाद में 12.21%, और अब देखिए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं एक एक करके, बिहार में देखिए 10.58% मतदान अभी तक हुए हैं, लगभग 11% अभी तक वोटिंग बिहार में हुए हैं 8 लोकसभा की सीटों पर। सीट वाइज बात कर लेते हैं, नालंदा से शुरुआत करेंगे, गृह जिला सीएम नीतीश कुमार का 9.17% यहाँ पे मतदान अभी तक हुए हैं, और नालंदा जो है नीतीश कुमार के लिए प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है। पटना साहिब लोकसभा की सीट जहां से देखिए यहां पर देखिए 10.76% अभी तक मतदान हुए हैं, रविशंकर प्रसाद एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी और इसका नतीजा जो है वो आपको तय करना है। पाटलिपुत्र जो हॉट सीट है 12.39%, यहां से मीसा भारती लालू प्रसाद यादव की बेटी एक बार फिर से चुनावी मैदान में है तो रामकृपाल यादव भी मौजूद है उन्हें टक्कर देने के लिए। आगे बढ़ते हैं आरा लोकसभा की सीट की बात कर लेते हैं, आरा भी हॉट सीट में से एक है, 9.32% यहाँ पर वोटिंग अभी तक हुई है। अगली सीट है बक्सर, 8.32%, बक्सर में अगर देखें तो वोटिंग परसेंटेज अब तक सबसे कम रहा है बिहार की हम बात करें तो। सासाराम में 11.18% मतदान जो है अभी तक हुए हैं, 9 बजे तक का ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं सासाराम लोकसभा की सीट की। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अगली लोकसभा की सीट कौन सी है, देखिए काराकाट जिसका हम जिक्र कर रहे थे, काराकाट 11.75% यहाँ पर मतदान हुए हैं, यहाँ पर आपको पता है भोजपुरी स्टार पवन सिंह भी हैं चुनावी मैदान में। जहानाबाद लोकसभा की सीट की बात कर लें, 12.21% अभी तक मतदान जो है जहानाबाद में हुए हैं। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए अगियां उपचुनाव भी हो रहा है, इसके साथ आपको बता दें आज 8 लोकसभा की सीटों पर लोकसभा के चुनाव है तो साथ ही साथ अगियां उपचुनाव भी है जहां 8.50% वोटिंग अभी तक हुए हैं, तो ये अभी तक का वोटिंग परसेंटेज है। चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी तैयारी की गई है, लगातार जन जागरूकता फैलाई गई और ये आपको बताया गया कि आपको कैसे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है। और इसके साथ ही अब हम आपको वोटिंग परसेंटेज दिखाते हैं जिसमें आपके सामने अभी एक बग्घी आएगी जो वोटिंग परसेंटेज लेकर आएगी और ये वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं दो सीट की बात, नालंदा और पटना साहिब 9.17, 10.76% अभी तक मतदान जो है हुए हैं नालंदा और पटना साहिब लोकसभा की सीट पर। अगली लोकसभा की सीट कौन सी है, देखिए पाटलिपुत्र में 12.39%, आरा में 9.3% वोटिंग अभी तक हुए हैं, तो ये 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत है। आगे बढ़ते हुए बात कर लेंगे अगली लोकसभा की सीट की, तो कौन सी अगली लोकसभा की सीट है बिहार की, तो देखिए बक्सर में 8.32% अभी तक वोटिंग हुए हैं और साथ ही साथ सासाराम में 11.18% मतदान अभी तक हुए हैं। और इसके साथ ही बात अगली लोकसभा की सीट की, क्योंकि यहाँ पर 8 लोकसभा की सीटें हैं जहां वोटिंग चल रही है, 2 अभी और बचे हुए हैं, तो इन दोनों में से अगर हम बात कर लें, काराकाट में 11.75% वोट अभी तक पड़ चुके हैं, डाले जा चुके हैं, जहानाबाद में 12.21% वोट अभी तक डाले जा चुके हैं। और इन आंकड़ों को बढ़ाना है, इन आंकड़ों को और ऊपर तक ले जाना है, क्योंकि बिहार में 2019 के मुकाबले अब तक जितने भी चरण में वोट हुए हैं, जो वोटिंग परसेंटेज आए हैं वो कम रहे हैं, हालांकि महिलाओं की भागीदारी काफी ज्यादा देखने को मिली है। और इसके साथ ही हम आपको कंपैरिजन दिखाते हैं कि 2019 में हम क्यों बात कर रहे हैं कि आंकड़ा आपको बढ़ाना है, यह आंकड़ा इसलिए बढ़ाना है क्योंकि 2019 के मुकाबले अब तक के वोटिंग परसेंटेज कम देखने को मिले। अब बिहार में बात कर ले, 2019 में 51.47% वोट डाले गए थे, 2024 में अब तक 10.58% वोट डाले गए हैं। अगर हम सीट वाइज कंपैरिजन करते हैं, नालंदा से शुरुआत करते हैं, तो नालंदा में देखिए 2019 में 48.79% मतदान हुए थे, 2024